हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम इक्विलिब्रियम यूनिट को आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसमें रोलर एंड हिंज सपोर्टेड बीम ये टॉपिक का फोर्थ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने इसके थ्री प्रॉब्लम्स लिए थे, उसी के साथ साथ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट में नंबर ऑफ अदर टॉपिक स्टडी किए थे। तो इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें रोलर एंड हिंज सपोर्टेड बीम ये टॉपिक का फोर्थ प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए, क्वेश्चन रहेगा फाइंड द रिएक्शन एट सपोर्ट्स ए एंड बी फॉर द बीम शोन बिलो। तो देखिए क्वेश्चन में जो डायग्राम दिया है वो आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द रिएक्शन एट द सपोर्ट्स ए एंड बी। ए और बी पे हमें सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करना है। देखिए ए पे जो सपोर्ट है ये है रोलर सपोर्ट और बी पे ये जो सपोर्ट है ये है हिंज सपोर्ट। दोनों सपोर्ट की सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करना है और ये सॉल्व करने के लिए हम ये फाइंड आउट करने के लिए बिल्कुल वही टेक्निक का यूज करेंगे जो हमने इसके पहले के सभी थ्री प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एफबीडी ड्रॉ करना पड़ेगा। एफबीडी माने फ्री बॉडी डायग्राम। एफबीडी ड्रॉ होने के बाद फिर हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करेंगे और इक्विलिब्रियम कंडीशंस का यूज करके सभी के सभी सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहां पे एफबीडी बना लेते हैं। एफबीडी हमें बीम का ड्रॉ करना है, ये जो बीम है ये बीम का एफबीडी हमें ड्रॉ करना है। तो हम यहां लिखेंगे एफबीडी ऑफ बीम। तो सबसे पहले हमने यहां बीम ए बी ड्रॉ किए हैं और ये बीम के जो भी सपोर्ट है वो सपोर्ट को हमें रिमूव करना है और सपोर्ट को रिमूव करके सपोर्ट के जगह सपोर्ट रिएक्शन शो करना है, क्योंकि ये रूल है एफबीडी ड्रॉ करते समय हमेशा सपोर्ट को रिमूव करना होता है और सपोर्ट को रिमूव करके सपोर्ट की जगह सपोर्ट रिएक्शन शो करना होता है और सपोर्ट रिएक्शन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ऑफ सपोर्ट, ये रूल है। तो अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे यहां बी पॉइंट पे हिंज सपोर्ट है, अगर बी पॉइंट पे हिंज सपोर्ट है तो रूल के हिसाब से हिंज सपोर्ट पे दो रिएक्शन शो करना होता है। तो ये देखिए ये हम हिंज सपोर्ट पे यहां पे दो रिएक्शन शो कर रहे हैं और दोनों रिएक्शंस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और ए पॉइंट पे जो है वो रोलर सपोर्ट है, अगर ए पॉइंट पे रोलर सपोर्ट है तो रोलर सपोर्ट पे सिंगल रिएक्शन शो करना है। तो ये देखिए ए पॉइंट पे हमने सिंगल रिएक्शन शो किए, इसका नाम हम देंगे दैट इज रिएक्शन आर ए। और यहां पे बी पॉइंट पे हमने जो दो रिएक्शन शो किए हैं दोनों रिएक्शन जो है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जो है हम उसको कहेंगे दैट इज आर बी एच और वर्टिकल रिएक्शन जो है हम उसको कहेंगे आर बी वी। और ये दोनों रिएक्शन देखिए एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। और अब हम आगे क्या करेंगे, देखिए यहां पे एक इंक्लाइंड फोर्स है, वो इंक्लाइंड फोर्स को हम शो करेंगे। फिलहाल यहां पे इंक्लाइंड फोर्स जो 30 डिग्री से इंक्लाइंड है वो हम शो करेंगे। यहां पे एक कपल दिया है वो भी हम शो करेंगे, कपल ऐसा क्लॉकवाइज है तो जो कपल क्लॉकवाइज है उसको आपको एज इट इज शो करना है। उसका मैग्नीट्यूड भी दिया है तो यहां पे हम वन बाय वन सब कुछ लिख लेते हैं। तो ये कपल है क्लॉकवाइज, इसका मैग्नीट्यूड है हम यहां लिखेंगे 5 किलो न्यूटन मीटर का ये कपल है और ये जो फोर्स है इंक्लाइंड फोर्स ये 10 किलो न्यूटन का इंक्लाइंड फोर्स है। और ये कितना डिग्री से इंक्लाइंड है, इसका डायरेक्शन देखिए इनवर्ड है, ये फोर्स जो है वो अंदर की तरफ आ रहा है और इसका एंगल जो है 30 डिग्री का एंगल है। और यहां पे इंक्लाइंड फोर्स को हमेशा की तरह हमें रिजॉल्व करना होता है। इंक्लाइंड फोर्स को जब तक आप रिजॉल्व नहीं करेंगे तब तक एफबीडी कंप्लीट नहीं होता है। तो ये देखिए इंक्लाइंड फोर्स 10 किलो न्यूटन को हम यहां पे दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, इट मींस हम उसके दो कंपोनेंट्स फाइंड आउट कर रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये देखिए इंक्लाइंड फोर्स 10 किलो न्यूटन के ऐसे दो कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा 10 कॉस ऑफ 30 और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा 10 साइन ऑफ 30। तो हम लिखेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 10 cos of 30 डिग्री और वर्टिकल कंपोनेंट 10 sin of 30 डिग्री। तो फाइनली हमने यहां डिस्टेंसेस भी शो किए हैं लेकिन FBD अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी ये इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि उसका रीजन ये है क्योंकि ये जो कॉइल दिया है ये कॉइल का हमें कुछ ना कुछ यहां पे शो करना है। ये जो कॉइल दिया है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं UDL। UDL माने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो यहां पे ये UDL दिया है, कुछ प्रॉब्लम में ये ऐसा कॉइल शेप में दिया होता है, देखिए कुछ प्रॉब्लम में ये ऐसा कॉइल शेप में दिया रहता है या तो कुछ प्रॉब्लम में ऐसा रेक्टेंगल बना के दिया रहेगा और उसमें ऐसे एरो बना के दिए रहेंगे, ये देखिए ऐसे एरो बना के दिए रहेंगे। तो ये वही है दैट इज UDL, इसे कहते हैं UDL दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यानी ही रेक्टेंगुलर लोड। क्योंकि ये रेक्टेंगुलर शेप में है इसलिए इसको रेक्टेंगुलर लोड कहते हैं। तो कभी ऐसा कॉइल शेप में रहेगा, कभी ऐसा रेक्टेंगुलर फॉर्म में रहेगा। तो ये सब है UDL और आपको क्या करना है, ये UDL को सॉल्व करना है और इसे पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है।
पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के बाद जो भी उसका लोड है वो आपको एफबीडी में शो करना है। तो चलो हम यहां पे इसको सॉल्व करेंगे। यूडीएल को सॉल्व करने का फॉर्मूला बहुत ही आसान है। यूडीएल को सॉल्व करने के लिए आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? बेस इंटू हाइट या तो लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसका ये फॉर्मूले का यूज करना है। तो देखिए यहां पे बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला हम यहां पे यूज करेंगे। बेस क्या है? देखिए ये जो यूडीएल है, ये जो कॉइल है, उसका बेस चेक करो क्या है। उसका बेस है 4 और उसका हाइट ये देखिए, ये जो दिया है 3 kN/m, इसको आप एज अ हाइट लेंगे। तो बेस इंटू हाइट हम यहां पर करेंगे 4 × 3, तो ये हो गया दैट इज 12 kN इतना लोड। ये यहां पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज करने का रीजन क्या है? देखिए रीजन बहुत ही सिंपल है। एक्चुअली यहां पे लिखा है 3 kN/m। देखिए यहां पे लिखा है पर मीटर, माने 1 मीटर के पीछे 3 kN है, तो 4 मीटर के पीछे कितना, इसलिए यहां पे 3 × 4 किया है, तो इसलिए यहां पे 12 kN इतना लोड आ चुका है। और अब हमें ये पॉइंट लोड को उसके पोजीशन पे शो करना है। तो शो कैसे करेंगे? तो यूडीएल का ये जो लोड है ये आपको बेस बाय 2 के डिस्टेंस पे शो करना होता है। बेस बाय 2, बेस क्या है चेक करिए, यूडीएल का बेस है दैट इज 4 मीटर का बेस है। तो बेस बाय टू माने 4 बाय 2 करने के बाद आएगा 2 मीटर, इट मींस एट द सेंटर ऑफ बेस पे आपको शो करना है। ये देखिए ये है पूरा बेस उसका 4 मीटर, एफबीडी में चेक करो, ये देखिए ये है पूरा बेस 4 मीटर। तो ये बेस के बीचों बीच जो है आप उसका लोड यहां पे शो करेंगे। ये बेस के बीचों बीच एट द सेंटर ऑफ बेस, एट द मिडल ऑफ बेस। तो ये देखिए ये हमने यूडीएल जो है, यूडीएल को हमने यहां पे पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया है। तो ये देखिए पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के बाद ये इतना लोड हमने कितना लोड शो करना है, यहां पे 12 kN का लोड जो है ये हमें शो करना है। और ये जो लोड है ये डिस्टेंस कितना, इधर का डिस्टेंस 2 मीटर, इधर का डिस्टेंस 2 मीटर, टोटल हो गया 4 मीटर। ये जो पूरा बेस है 4 मीटर, उसके बिल्कुल बीचों बीच हमने शो किया है एट द सेंटर ऑफ बेस, दैट इज 12 kN का पॉइंट लोड। हमने ये यूडीएल को, हमने ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया है। उसका 12 kN इतना लोड हमने शो किया है एट द डिस्टेंस ऑफ बेस बाय 2। तो फाइनली ये एफबीडी यहां पे कंप्लीट हो गया। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन 3 होती है, तीनों कंडीशन का यूज करेंगे। फर्स्ट कंडीशन है समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, सेकंड कंडीशन है समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0, और थर्ड कंडीशन है समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। ये 3 कंडीशन का यूज करके हम सॉल्व करेंगे और यहां पे जो भी अननोन है वो हम फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा था? क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द रिएक्शन एट सपोर्ट्स ए एंड बी, मतलब ए और बी पे सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करना है। ए पे रिएक्शन फाइंड आउट करना है आर ए, और बी पे रिएक्शन फाइंड आउट करना है आरबीएच आरबीबी। तो चलो ये फाइंड आउट करेंगे और हम यहां पे इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज करेंगे। पहली कंडीशन हम यूज करेंगे समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, तो चलो हम यहां लिखेंगे समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, और समेशन करने का रूल राइट साइड जाने वाले फोर्सेस प्लस। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई क्या है, मोमेंट कैसे अप्लाई करते हैं, इंक्लाइंड फोर्सेस को कैसे डिफरेंट डिफरेंट वे से रिजॉल्व करते हैं, ये सब कुछ हमने इसके पहले के टॉपिक्स में कवर किए थे। तो आप इसके पहले के टॉपिक्स को जरूर स्टडी करिए, वहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलो फिलहाल हम समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स करेंगे। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स माने समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। यहां पे जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उनका समेशन करो। तो यहां पे कितने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस यहां पे 2 है, एक है 10 cos of 30 और एक है आरबीएच, और ये दोनों का समेशन करना है। समेशन करने का रूल हमने यहां लिखा के दिया है, देखिए राइट साइड जाने वाले फोर्सेस प्लस, तो लेफ्ट साइड जाने वाले फोर्सेस माइनस। तो ये देखिए 10 cos of 30 राइट साइड जा रहा है तो ये प्लस में आएगा, और ये आरबीएच लेफ्ट साइड जा रहा है तो ये माइनस में आएगा। तो हम यहां पे इक्वेशन बनाएंगे, देखिए हम यहां लिखेंगे दैट इज 10 cos of 30 माइनस आरबीएच इक्वल्स टू 0। देखिए सिर्फ 2 फोर्सेस है, और अब ये 10 cos of 30 को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8.66 माइनस आरबीएच इक्वल्स टू 0। तो फाइनली आरबीएच का वैल्यू हमें मिल गया दैट इज 8.66 kN। kN में दिया है तो kN में ही सॉल्व करने का, यूनिट कन्वर्ट करने की फिलहाल जरूरत नहीं है। तो फाइनली सपोर्ट रिएक्शंस में हमें आरबीएच, ये सपोर्ट रिएक्शन यहां पे मिल गया, और अब हमें रिमेनिंग आरए और आरबीवी फाइंड आउट करना है, और उसके लिए हमारे पास रिमेनिंग 2 इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो चलो अब नेक्स्ट कंडीशन का यूज करेंगे। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स के बाद समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई ऐसी कंडीशन होती है, लेकिन हम समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई नहीं करेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई हम बाद में करेंगे। पहले हम थर्ड कंडीशन अप्लाई करेंगे समेशन ऑफ मोमेंट। तो चलो हम थर्ड कंडीशन यहां अप्लाई कर लेते हैं, समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट, कोई ना कोई पॉइंट पे मोमेंट अप्लाई करना है। तो चलो हम यहां पे ए पॉइंट पे अप्लाई करेंगे, और समेशन करने का रूल क्लॉकवाइज जाने वाले फोर्सेस प्लस। जो भी फोर्सेस क्लॉकवाइज है ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में वो आप प्लस लेंगे, और जो भी फोर्सेस एंटी क्लॉकवाइज है वो आप माइनस लेंगे।
इक्विलिब्रियम के कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय जब कभी भी हम इक्विलिब्रियम कंडीशन का यूज करते हैं तो इक्विलिब्रियम कंडीशन सीक्वेंसली अप्लाई करना जरूरी नहीं है, यानी समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स पहले, बाद में समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई, देन बाद में मोमेंट लेना, ये यही सीक्वेंस में होना जरूरी नहीं है। एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई, मोमेंट, यही सीक्वेंस में होना जरूरी नहीं है। आप सीक्वेंस एनी टाइम चेंज कर सकते हैं, कोई भी समेशन आप पहले लो, चॉइस आपकी है। कौन सा समेशन कब अप्लाई करना है ये पूरा चॉइस आपका है। ये आपको पहले चेक करना पड़ेगा समेशन करते समय कि यहां पे कितने अननोन आ रहे हैं। अगर सिंगल अननोन आ रहा है तो आपको वो कंडीशन अप्लाई करना है, अगर एक से ज्यादा अननोन आ रहे हैं तो कंडीशन अप्लाई नहीं करना है। देखिए हमने जब समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स किए तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स में सिर्फ एक ही अननोन है, ये देखिए ये इक्वेशन में सिर्फ एक ही अननोन है आरबीएच, तो इजीली वो सॉल्व हो गया। लेकिन हमने एफ ऑफ एक्स के बाद समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स के बाद समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई नहीं किए, हम सीधा मोमेंट अप्लाई कर रहे हैं। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई हम क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई में दो अननोन आएंगे। कैसे, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई माने समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, यहां पे जितने भी वर्टिकल फोर्सेस हैं उनका समेशन, और अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे यहां पे जो भी वर्टिकल फोर्सेस है उसमें दो फोर्सेस ऐसे हैं जिनका वैल्यू आपको नहीं पता है, जो अननोन है, ये एक है आर ए और एक है आर बी वी, ये दोनों के दोनों फोर्सेस का वैल्यू अननोन है। तो आप दो अननोन होने के वजह से समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई नहीं कर रहे, क्योंकि दो अननोन के फॉर्म में अगर आप इक्वेशन बनाओगे तो दो अननोन का इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा, आप फालतू उसको इक्वेशन नंबर वन दे दोगे, देन आप मोमेंट लोगे, देन आप कहीं से कोई वैल्यू फाइंड आउट करके फिर इक्वेशन नंबर वन में पुट अप करोगे, फिर इक्वेशन नंबर वन को डबल सॉल्व करोगे, तो उसमें जो है आपका टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो ये आपको सोच समझ के चलना है, एग्जाम में कम से कम समय में आपका प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए और बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, इसीलिए प्री प्लानिंग करके आप सॉल्व किया करो। जब कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करते समय आप चेक कर लिया करो कि कंडीशन अप्लाई करते समय एक अननोन आ रहा है या एक से ज्यादा अननोन आ रहे हैं। एक अननोन आ रहा है तो कंडीशन अप्लाई करो, एक से ज्यादा अननोन आ रहे हैं तो कंडीशन अप्लाई मत करो। ठीक है, तो चलो हमने फिलहाल यहां पर समेशन ऑफ मोमेंट जो थर्ड कंडीशन है वो अभी हम अप्लाई कर रहे हैं। तो मोमेंट हमें ए पॉइंट पे अप्लाई करना है, मोमेंट कौन से पॉइंट पे अप्लाई करना है ये चॉइस आपका है। मोमेंट या तो आप ए पॉइंट पे अप्लाई करो, मोमेंट या तो आप बी पॉइंट पे अप्लाई करो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई भी प्रॉब्लम में मोमेंट ए पे ही लेना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पूरा चॉइस आपका है कि मोमेंट आपको ए पे लेना है या बी पे लेना है या सी पे लेना है। मोमेंट का रूल आपको पता होना चाहिए, मोमेंट का रूल ऐसा है कि मोमेंट आप जो पॉइंट पे अप्लाई करेंगे वो पॉइंट से पास होने वाले सभी फोर्सेस जीरो, ये मोमेंट का रूल है। मोमेंट अगर आप ए पॉइंट पे अप्लाई करेंगे तो ए से पास होने वाले सभी फोर्सेस जीरो, मोमेंट अगर आप बी पे अप्लाई करेंगे तो बी से पास होने वाले सभी फोर्सेस जीरो। मोमेंट हमेशा ऐसे पॉइंट पे अप्लाई किया करो जहां अप्लाई करने से मैक्सिमम फोर्सेस जीरो हो जाए। जितने ज्यादा फोर्सेस जीरो हो जाएंगे इक्वेशन उतना शॉर्ट बनेगा, इक्वेशन जितना शॉर्ट बनेगा कैलकुलेशन उतना ही इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलो फिलहाल हम मोमेंट ए पॉइंट पे लेंगे, तो मोमेंट के रूल के हिसाब से मोमेंट अगर आप ए पॉइंट पे अप्लाई करेंगे तो ए से पास होने वाले सभी फोर्सेस जीरो। तो चलो हम चेक करेंगे कि यहां ए से कितने फोर्सेस पास हो रहे हैं, तो यहां पे ए से तीन फोर्सेस पास हो रहे हैं तो तीन फोर्सेस जीरो हो जाएंगे। कौन से तीन फोर्सेस जीरो हो जाएंगे, चलो हम चेक करेंगे। सबसे पहले जीरो होगा ये, देखिए ये जो आर ए है ये आर ए फोर्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये आर ए जो है वो ए पे एक्ट हो रहा है, इट मीन्स वो ए से पास हो रहा है तो ये जीरो। देन ये आर, ये जो टेन कॉस थर्टी है ये भी जीरो हो जाएगा, देखिए ये जो टेन कॉस थर्टी है ये भी जीरो, क्योंकि ये जो टेन कॉस थर्टी है ये ए से पास हो रहा है। आप कहेंगे कैसे, तो देखिए बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो जो 10 किलोन्यूटन फोर्स है ये 10 किलोन्यूटन फोर्स ऐसा इनवर्ड है, ये जो है 10 किलोन्यूटन फोर्स यहां पे एक्ट हो रहा है। अगर ये फोर्स यहां पे एक्ट हो रहा है इसका मतलब उसके दोनों कंपोनेंट्स भी वहीं पे एक्ट हो रहे हैं, देखिए। ठीक है, हमने बस उसका रिजोल्यूशन ऊपर शो किया है, रिजोल्यूशन कहीं पर भी शो करो, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने रिजोल्यूशन यहां शो किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सबसे मेन बात जो है 10 किलोन्यूटन जो है वो ये पॉइंट पे एक्ट हो रहा है, अगर 10 किलोन्यूटन ये पॉइंट पे एक्ट हो रहा है इट मींस उसके दोनों कंपोनेंट्स भी वही पॉइंट पे एक्ट हो रहे हैं। तो जो 10 cos 30 10 sin 30 जो दो कंपोनेंट है उसमें से जो 10 cos 30 है वो ए से जा रहा है, वो ए पे एक्ट हो रहा है, वो ए से पास हो रहा है, इसलिए वो 10 cos 30 जीरो हो गया और 10 sin 30 जो है वो सेफ है। तो ये मोमेंट के इक्वेशन में आएगा, ये 12 किलोन्यूटन मोमेंट के इक्वेशन में आएगा, ये भी सेफ है। ये कपल, ये जो दिया है ये है कपल, इसको कहते हैं कपल, कपल कहो या मोमेंट कहो, ये जो है ये क्लॉकवाइज दिया है तो ये एज इट इज रखो। यहां पे एक और फोर्स जीरो हो जाएगा, वो है आरबीएच, देखिए आरबीएच जो फोर्स है ये भी जीरो हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ये भले ही बी पॉइंट पे एक्ट हो रहा है लेकिन बी पॉइंट पे एक्ट होने के बाद ये बी टू ए, ये देखिए उसका वे ऑफ एक्शन जो है वो बी टू ए है, क्योंकि मोमेंट का रूल है कि मोमेंट आप जो पॉइंट पे अप्लाई करेंगे वहां से आने जाने वाले सभी फोर्सेस जीरो। कोई भी फोर्स कहीं से भी अगर वो पॉइंट पे आएगा
तो वो जीरो, या कोई भी फोर्स वो पॉइंट से अगर कहीं पे भी जाएगा तो जीरो। वैसे मोमेंट कैसे फाइंड आउट करना, मोमेंट की स्पेशल वीडियो सीरीज हमने इसके पहले कुछ तीन चार प्रॉब्लम्स हमने अपलोड किए हैं, वो प्रॉब्लम्स आप जरूर देखिए, आपका मोमेंट का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। मोमेंट के स्पेशल वीडियोज हमने बना के रखे हैं, वहां से आप देख सकते हैं। आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ये प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ये प्लेलिस्ट में आपको ये सभी प्रकार के वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए फिलहाल हम ये प्रॉब्लम को आगे बढ़ाते हैं, और यहां पे हमें मोमेंट लेना है ए पॉइंट पे। तो हमने बताया है कि ए पॉइंट पे मोमेंट लेने पर तीन फोर्सेस ए पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो तीन फोर्सेस जीरो, आर ए जो है वो ए से पास हो रहा है जीरो, टेन कॉस 30 ए से पास हो रहा है जीरो, और ये आरबीएच जीरो। रिमेनिंग सभी फोर्सेस सेफ है, रिमेनिंग जितने भी फोर्सेस सेफ है वो सब मोमेंट के इक्वेशन में आएंगे। तो चलो सभी के सभी इक्वेशन मिलेंगे और सभी का समेशन करेंगे। लेकिन समेशन करने का रूल है, देखिए समेशन करने का रूल हमने यहां लिखे हैं, क्लॉकवाइज जाने वाले सभी फोर्सेस प्लस, जो भी फोर्सेस ए के रिस्पेक्ट में ऐसा क्लॉकवाइज है वो हम प्लस मिलेंगे, और जो भी फोर्सेस ऐसा एंटी क्लॉकवाइज है वो हम माइनस मिलेंगे। तो चलो वन बाय वन यहां पे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ये 10 साइन 30 को चेक करेंगे कि ये ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। ये 10 साइन 30 ऐसा डाउनवर्ड है, ये नीचे जा रहा है, तो ए के रिस्पेक्ट में ये ऐसा क्लॉकवाइज हो जाएगा। चेक करने का टेक्निक बहुत ही आसान है, मोमेंट चेक करने के लिए आप जैसा सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए जैसा आप कंपास का यूज करके कंपास को घुमाते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप अपने हाथ को घुमा के देखो कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो देखिए मोमेंट ए पे है, तो एज अ सेंटर ये दो फिंगर में से एक फिंगर जो है वो ए पे रखो, एज अ सेंटर एक फिंगर ए पे। 10 ये 10 साइन 30 को चेक कर रहे, ये नीचे जा रहा है, तो हाथ को ऐसा नीचे घुमाओ और अपने हाथ का मूवमेंट चेक करो कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये जो है ऐसा क्लॉकवाइज है, 10 साइन 30 क्लॉकवाइज है, तो ये हो जाएगा प्लस में। तो ये हम लिखेंगे 10 साइन ऑफ 30 प्लस में, ठीक है, इनटू ए से लेके 10 साइन 30 तक का डिस्टेंस, दैट इज 3। मोमेंट का फॉर्मूला है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसलिए 10 साइन 30 इंटू ये डिस्टेंस 3, ए से लेके 10 साइन 30 तक का डिस्टेंस 3। आगे बढ़ेंगे, अब ये 12 को हम लेंगे, 12 नीचे जा रहा है, चलो चेक करेंगे ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। मोमेंट ए पे है, तो एज अ सेंटर फिर से ये दो फिंगर में से एक फिंगर जो है वो एज अ सेंटर फिंगर ए पे रखो, 12 जो है वो नीचे जा रहा है, तो हाथ ऐसे नीचे घुमाओ। तो चलो हम इसको चेक करेंगे ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो देखो हाथ का मूवमेंट जो है वो ऐसा नीचे है, तो ये क्लॉकवाइज हो गया, तो 12 किलो न्यूटन हो गया प्लस में, प्लस 12 इंटू ए से लेके 12 तक का डिस्टेंस, ए से लेके 12 तक का डिस्टेंस देखिए क्या होगा, 3 2 और ये 2, तो ये हो गया 7 इंटू 7, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देन ये जो कपल है, ये कपल दिया है, मोमेंट दिया है, ये ऑलरेडी क्लॉकवाइज है, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी क्लॉकवाइज है, तो सीधा सीधा प्लस में आएगा, प्लस 5 इंटू, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कपल के टाइम जब भी आप कपल लेंगे या मोमेंट लेंगे तो इंटू कुछ नहीं करना, क्योंकि यहां ऑलरेडी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करा के दिया है, आपको डबल से डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद मोमेंट है, इसको डबल से मोमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए यहां पे 5 किलो न्यूटन मीटर है, किलो न्यूटन मीटर मतलब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऑलरेडी यहां पे फोर्स इंटू डिस्टेंस करा के दिए हैं, तो डबल से डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं करना। तो ये क्लॉकवाइज है, तो हमने इसको प्लस में ले लिए, और अब बचा है आरबीवी, ये ऊपर जा रहा है, तो चलो हम इसको चेक करेंगे ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। चेक करने का टेक्निक बहुत ही आसान है, मोमेंट ए पे है, एज अ सेंटर एक फिंगर ए पे रखो, और आर बी वी जो है वो ऊपर जा रहा है, तो हाथ को ऐसे ऊपर घुमाओ और अपने हाथ का मूवमेंट चेक करो कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये ऐसा एंटी क्लॉकवाइज है, आर बी वी जो है ऐसा एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये माइनस में आएगा, इंटू ए से लेके आर बी वी तक का पूरा डिस्टेंस आपको काउंट करना है, तो ये हम लिखेंगे माइनस आर बी वी इंटू, इंटू कितना होगा देखिए, यहां से ये यहां तक 7 हुआ था, देन 9 और ये 5, टोटल ये हो गया 14, तो 14 इक्वल्स टू 0। तो फाइनली हमने यहाँ पे इक्वेशन लिख दिया है, और अब हमें ये इक्वेशन को सॉल्व करना है, और यहाँ पे जो भी आरबीवी है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये 10 साइन 30 से लेके 5 तक ये जो भी है ये हम कैलकुलेटर में पुट करेंगे, हमें कैलकुलेशन करना है, तो यहां से लेके यहां तक जो हमने ब्रैकेट में दिया है वो हमें कैलकुलेटर में यहां पे पुट करेंगे, 10 साइन 30 इंटू 3 प्लस यहां पे 12 इंटू 7 प्लस 5, तो ये आ चुका है 104, तो ये हम लिखेंगे ब्रैकेट का आंसर 104 माइनस आरबीवी इंटू 14 इक्वल्स टू 0, तो हम ये लिखेंगे आरबीवी इंटू 14 इक्वल्स टू 104। ये देखिए हमने क्या किया, ये ब्रैकेट का आंसर 104 निकाले, इसको राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, और राइट साइड में शिफ्ट करने के बाद ऐसा हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, वो माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, और अब ये 104 को 14 से डिवाइड करो, तो आपको आर बी भी यहां पे मिल जाएगा 104
यहां पे 104 डिवाइड बाय 14, तो ये आंसर आ चुका है 7.428 किलो न्यूटन का, यहां पे हमें 7.428 किलो न्यूटन, ये हमें आरबी भी मिल चुका है। तो यहां पे हमने दो सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट कर लिया है, आरबीएच और आरबीवी, ऐसा फाइंड आउट हो चुका है। तो फाइनली हमने दो इक्विलिब्रियम कंडीशंस का यूज करके हमने यहां दो सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट कर लिए हैं, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स और समेशन ऑफ मोमेंट, ये दो कंडीशंस का हमने यूज कर लिए हैं। और अब हमें समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू जीरो, ये सेकंड कंडीशन का यूज करना है, जो हमने स्किप किए थे वो अब हमें अप्लाई करना है। तो चलो हम समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई करेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू जीरो, और समेशन करने का रूल बहुत ही आसान है, समेशन करने का रूल है वर्टिकली ऊपर जाने वाले फोर्सेस प्लस। तो ये सेकंड कंडीशन हमने बीच में स्किप किए थे, क्योंकि समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स के बाद समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई करना चाहिए था, लेकिन हमने वो स्किप क्यों किए थे, हमने रीजन बताए थे, क्योंकि उसमें पहले दो अननोन थे, लेकिन अब देखिए मोमेंट हमने बीच में कर लिए, तो अब देखिए आरबीवी यहां पे हमें फाइंड आउट हमने कर लिए, और अब समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई में दो नहीं एक ही अननोन है, कौन सा अननोन है, आरए, बस ये एक ही अननोन है आरए। तो अगर आप समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई करेंगे तो ये आरए इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। तो चलो समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई करेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई माने समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, यहां जितने भी वर्टिकल फोर्सेस है उनका समेशन करना है, और समेशन करने का रूल आपको पता है, यहां पे हमने लिखा है वर्टिकली ऊपर जाने वाले सभी फोर्सेस प्लस। तो ये देखिए आरए जो है वो सबसे पहले वर्टिकली ऊपर जा रहा है, तो आरए को हम यहां लेंगे प्लस में, आरए प्लस में, देन ये 12 नीचे आ रहा है तो ये 12 माइनस में, देन ये 10 साइन 30 नीचे आ रहा है तो ये भी माइनस में 10 साइन ऑफ 30, ठीक है। देन ये आरबी भी ऊपर जा रहा है तो आरबीवी का सीधा वैल्यू लिख दो, तो 7.428 इक्वल्स टू जीरो। देखिए हमने आरबीवी का सीधा यहां पे वैल्यू लिख दिए, और अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं ये क्या आएगा, माइनस 12 माइनस 10 साइन ऑफ 30, ठीक है, प्लस 7. दैट इज 428, तो ये आंसर आ चुका है, यहां पे माइनस में है फिलहाल, तो ये आरए माइनस 9.572 इक्वल्स टू जीरो, ये राइट साइड में शिफ्ट होने के बाद प्लस में आएगा, तो ये आ गया 9.572 किलो न्यूटन। तो फाइनली हमें आरए यहां पे मिल चुका है, सपोर्ट रिएक्शन यहां पे ए पॉइंट पे आरए हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो फाइनली हमने तीनों इक्विलिब्रियम कंडीशंस का यूज किया है और सपोर्ट रिएक्शंस यहां पे फाइंड आउट कर लिया है। क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द रिएक्शन एट सपोर्ट्स ए एंड बी, तो ए और बी पे सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करना था, ए पे रिएक्शन आरए फाइंड आउट करना था, वो हमें ए पे रिएक्शन आरए मिल गया, और बी पे आरबीएच आरबीवी, ये दोनों के दोनों आरबीएच आरबीवी वो भी हमें मिल गए, तो हमने सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट कर लिए। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर आप इतना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको एग्जाम में फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसका रीजन क्या है, रीजन हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में बताए थे, पहले के वीडियोस में हमने क्या बताए थे, देखो हमने बताए थे कि जब कभी भी आप हिंज सपोर्ट के लिए सॉल्व करते हैं तो हिंज सपोर्ट के जो दो कंपोनेंट्स हैं, अगर दोनों कंपोनेंट्स अवेलेबल है तो आपको एट द लास्ट दोनों कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। अभी देखिए ये हिंज सपोर्ट है, ये हिंज सपोर्ट के दो कंपोनेंट्स हैं और ये दोनों कंपोनेंट्स अवेलेबल है, देखिए आरबीएच भी अवेलेबल है और आरबीवी भी अवेलेबल है, आरबीएच आरबीवी दोनों है हमारे पास, तो अगर ये दोनों है तो ये दोनों का रिजल्टेंट लेना पड़ेगा। जब तक आप दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट नहीं करेंगे तब तक प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से ए पॉइंट पे आरए है उसी तरह से बी पॉइंट पे आरबी होना, तो अगर आपको बी पॉइंट पे आरबी फाइंड आउट करना है तो उसके लिए बी पॉइंट के सपोर्ट रिएक्शंस आरबीएच आरबीवी का आपको रिजल्टेंट लेना कंपलसरी है। तो चलो अब हम इन दोनों का रिजल्टेंट लेंगे, लेकिन सिर्फ रिजल्टेंट नहीं, रिजल्टेंट के साथ साथ उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पोजीशन आपको तीनों चीजें फाइंड आउट करना है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का डायरेक्शन मतलब उसका एंगल, और देन उसका पोजीशन, इट मींस हमें उसको डायग्रामेटिकली शो करना है। इसके पहले के प्रॉब्लम्स में भी हमने ये सब किए थे, तो चलो फिलहाल हम यहां पे दोनों का रिजल्टेंट लेंगे। तो दोनों का रिजल्टेंट कैसे लेना, देखो आरबीएच आरबीवी का रिजल्टेंट हम इसको कहेंगे आरबी, तो हम यहां पे लिखते हैं, देखिए हम इसको कहेंगे आरबी, आरबी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, हमें आरबीएच और आरबीवी को हमें अंडर रूट में लेना पड़ेगा। ये देखिए हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी यहां पे डिफिकल्ट नहीं है। आरबी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आरबीएच स्क्वायर प्लस आरबीवी स्क्वायर, आपको अंडर रूट के अंदर ऐसा लिखना है। तो चलो अब हम इसकी वैल्यूज यहां पे लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ आरबीएच स्क्वायर, आरबीएच का वैल्यू क्या है 8.66 स्क्वायर, और आरबीवी का वैल्यू क्या है 7.428 का स्क्वायर, और अब हमें इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करना है। तो देखते हैं अंडर रूट में इसका आंसर क्या आएगा, 8.66 स्क्वायर प्लस 7.428 स्क्वायर, तो ये आंसर आ चुका है, सॉरी अंडर रूट का हमें आंसर लिखना है सीधा, तो आंसर आ चुका है 11.409
किलो न्यूटन। तो फाइनली हमें बी पॉइंट पे आरबी यहां पे मिल चुका है, और ये जो है ये है आरबी का मैग्नीट्यूड, दैट इज रिएक्शन एट बी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ 8.66, दैट इज आरबीएच का वैल्यू, और आरबीवी का वैल्यू हमने सीधा सीधा यहां लिख दिए और हमने उसका अंडर रूट निकाले 11.409। ये है बी पॉइंट पे रिएक्शन आरबी, लेकिन ये सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड है। अब हमें इसका एंगल भी फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहां पे ये जो इन दोनों का रिजल्टेंट है आरबी, वो इन दोनों के बीच में से पास होगा। अगर रिजल्टेंट इनके बीच में से पास होगा तो वो कितना डिग्री से इंक्लाइंड है हमें वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए एंगल थीटा, थीटा इक्वल्स टू हम यहां लिखेंगे टैन इनवर्स ऑफ, डिटर्मिनेंट में आपको लिखना है आर बी वी बाय आर बी एच, वर्टिकल कंपोनेंट आपको ऊपर लिखना है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको नीचे लिखना है। तो चलो हम यहां पे कैलकुलेटर में पुट अप करेंगे। तो डिटर्मिनेंट में आरबीवी दैट इज 7.428 और आरबीएच दैट इज 8.66, और थीटा हम यहां पे फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे यहां पे क्या आंसर आता है। कैलकुलेटर आपका डिग्री मोड में होना, तो अंडर रूट ऑफ 7.428 डिवाइड बाय 8.66, तो ये आंसर आ चुका है, दैट इज 40.62 डिग्री। तो फाइनली यहां पे जो है थीटा मिल चुका है, इट मींस दैट इज रिएक्शन एट बी, रिएक्शन एट बी का हमें यहां पे एंगल मिल चुका है, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, देखिए रीजन, यहां पे हमें एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, एट द लास्ट आपको उसका पोजीशन शो करना होता है, और पोजीशन शो करना बहुत जरूरी है। अगर आप पोजीशन शो नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम जो है वो इनकम्प्लीट माना जाएगा। तो यहां पे पोजीशन में हमें क्या करना है, आरबीएच आरबीवी के बीच में हमें उसका जो रिजल्टेंट है वो शो करना है। ये देखिए ऐसा आरबीएच आरबीवी था, और इसके बीच में आपको आरबी जो है ऐसा शो करना है, और ये बिल्कुल आपको फ्री हैंड ड्रॉ करना है, इसके लिए आपको कोई मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं है। यहां पे थीटा ऐसा लिखना है, यहां पे आरबी आप ऐसा लिख देंगे, इसका डायरेक्शन आप इनवर्ड देंगे, तो ये है आरबी, ये था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो था आरबीएच, और ये था वर्टिकल कंपोनेंट जो कि था आरबीवी। ये देखिए बी पॉइंट पे, ये देखिए बी पॉइंट पे आरबीएच आरबीवी था, और ये हमने बी पॉइंट पे आरबीएच आरबीवी के बीच में हमने आरबी जो कि उसका रिजल्टेंट है वो हमने शो किया है, और प्रॉब्लम यहां पे कंप्लीट हो गया। इतना आप पूरा सॉल्व करो तो आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे, क्वेश्चन में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग हमने पूरा सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द रिएक्शन एट सपोर्ट ए एंड बी, तो ए और बी पे सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करना था, तो ए पे रिएक्शन यहां पे आर ए और बी पे रिएक्शन दैट इज आर बी और उसका पोजीशन, तो ये पूरा प्रॉब्लम यहां पे कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये था रोलर एंड हिंज सपोर्टेड बीम का प्रॉब्लम नंबर 4। इसके पहले ऑलरेडी हमने इसके 3 प्रॉब्लम्स लिए थे, वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करने वाले हैं ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए, कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपने अगर अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।